स्टे अवे मेरे से। ये तो मजाक हो रहा है मुझे। बस कोई निकाल के ना ले जा रहा था, कराची होता तो अब तक शॉट हो गया होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जवाद हमारे लिए चाय बना रहा है, भाई हमारे लिए डाइनिंग टेबल सेट कर रहा है, अली काके फोटो अंदर किचन में खाने बना रहा है। अली लोकेशन तो कहीं की नहीं डाली है हमने, ये लोकेशन जो है वो लोकेशन नहीं, खुशबू लेके जा रही है हमें खाने की। लोकेशन कहीं की नहीं डाली है, खुशबू खींच रही है उधर। रास्ते खुद बन रहे हैं हमारे लिए कि हम डायरेक्ट पहुंच जाएं अपनी मंजिल पे। हमने सोचा क्यों ना आज हम लाहौर का कोई फेमस फूड ट्राई करें। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि कुछ नया हो जाए। तो मैंने कहा इनिया मोहब्बता जिलिया, इनिया मोहब्बता किनिया किनिया इनिया मोहब्बता इनिया मोहब्बता ना पाया कर जिलिया। तो हम जा रहे हैं ऑल द वे जिले के पास, तो अब हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। मजाक हो रहा है ये। हम कराची से ऑल द वे अपनी ईद खराब करके यहाँ जिले के पास खाना खाने आ गए थे और ये तो बंद है यार। को पैसा बर्बाद, आप हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे यार, बहुत अफसोस की बात है। हम ऑल द वे कराची से आपके लिए आए थे ईद पे, लेकिन माँ के खाने को छोड़ के मैं जिले का खाना खाने आया था। जिले ऐसे ही बंद रहना। माँ का खाना भी नसीब नहीं हुआ और जिला भी बंद निकला यार। मैं अभी वापस जाके माँ के हाथ का ही खाना खाएं और क्या करें। ये तो मजाक हो रहा है, मुझे मारो यार, मैं इतना दूर पागल हूँ जो मैं आया हूँ। मजाक है यार। I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. तो की नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना बन्नू का बीफ व्लॉग खा लिया जाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अभी हम सोच रहे हैं अंदर जाके बैठ जाएं, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी थी कि अली से रहा ही नहीं जा रहा है, यहीं खाना शुरू कर दिया अली ने। तो बस अभी हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं। जिले के रेस्टोरेंट से करीब बरकत मार्केट है, वहाँ पर हम आ गए हैं। और बस अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में खाना आ रहा है। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी। रहा नहीं जा रहा भाऊ, तड़प ही ऐसी है। देना था चाहते हो भाऊ? भाऊ है लड़का ना है लाहौर है। स्टे अवे मेरे से। एक बंदे को हमने बोला भाई कि अभी बाल नहीं कटवाना, बाल कटवा के खाना खाने आ गया। मुंह पे आप देख रहे हो कितने बाल लगे हुए हैं, गर्दन पे देख रहे हो कितने बाल लगे हुए हैं।
तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना टाइम मैनेज करना है। ये लोग इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। सुबह 12 बजे उठो 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 उठो, 12 बजे उठने के बाद 3 बजे लेकर आ रहा है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अभी हम निकले हैं बरकत मार्केट से, मेन बुलेवार्ड की तरफ जा रहे हैं। और अब हम यहाँ से, हमने खाया खाना, बहुत अच्छा था खाना। ये बेसिकली मेन बुलेवार्ड पे हम आ गए हैं, मेन बुलेवार्ड से अब हम जा रहे हैं। खाना हमने खाया, खाना बहुत ज़बरदस्त था भाई। और अभी कैमरा पीछे लगा हुआ है, मुझे सारी टेंशन मेरे पीछे कैमरे पर लगी हुई है, बस कोई निकाल के ना ले जा रहा। आज ही होता तो अब तक शॉट हो गया होता। खैर यहाँ लगा हुआ है फिर भी। और अभी हम हैं मेन बुलेवार्ड पे, यहाँ से हम जा रहे हैं DHA की तरफ। तो फाइनली हम घर आ गए हैं, लंच करके हम घर आ गए। बाहर तो आग जैसी गर्मी हो रही है, सारे मेरे दोस्त जो हैं वो थक गए हैं। खा के जो बंदा थकता है तो तुम्हें पता ही है कि इतना थक जाता है। बाकी लाहौर में आपने व्यूज़ चेक किए होंगे, लाहौर में ना खड्डे नहीं है यार, रोड ऐसे अंडरपास ऐसे VVIP। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और कॉफ़ी लेने के बाद मेरे गम पे थोड़ा सा कंट्रोल तो मेरा हुआ है, लेकिन फिर भी जीले ने मुझे धोखा दिया है। वो जीले इनिया मोहब्बता, इनिया मोहब्बता वो देख देख के मेरे दिमाग में ना ईद पे यही चल रहा था कि भाई यही खाऊँगा। लेकिन चलो कोई नहीं, जो अल्लाह ताला को मंजूर वो। अभी तो हम CBDL से कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस आए आज आप लोगों को हम बर्गरों के लिए जो जगह नहीं खुली है वो दिखाते हैं। बर्गरों की ठंडी जगह, जो जहाँ पे आपको अक्सर बर्गर लोग शशका मारने के लिए जाते हुए नज़र आया करेंगे। उनको ना कॉफ़ी पीने की तमीज़, ना उनको असल चीज़ें पता कॉफ़ी की, लेकिन उन्होंने बस कॉफ़ी पीने जाना है। तो भाई बर्गरों का अड्डा दिखाते हैं आपको, एक मिनट दे दें बस। बहुत रश थी भाई इधर तो, कुछ दिन पहले आपने इसकी पोस्ट भी देखी होंगी, लोग तो पागल हुए हैं इसके पीछे। हम आपको दिखाते हैं बाहर से ही, क्योंकि हम तो इतने बर्गर नहीं है कि हम अंदर जा सकें। हम सादे शरीफ लोग। और हम लोग सब यहाँ पहुँच गए बट कढ़ाई, और सोचा है कि आज हम बट कढ़ाई ट्राई करेंगे। अगर लाहौर आए और आपने बट कढ़ाई नहीं खाई तो फिर लाहौर आए क्यों? तो इसलिए हम यहाँ बट कढ़ाई पहुँच गए हैं। बहुत क्रेजी सीन है, फुल बटर में कढ़ाई बन रही है, देसी मुर्गे कट गए हैं बस। अभी बस जैसे ही खाना रेडी होता है तो दिखाते हैं। हार्ड कोर फूड पड़ा हुआ है इधर, हार्ड कोर। और ये सारे बॉयज़ रेडी हैं। बॉयज़ आर यू रेडी? उसको धुएं लगे हैं भाई, ये काड़ा मुर्गा है। कितने का दूर है?
तो भाई फाइनली हमारी बट कढ़ाई आ गई है, तो हम बट कढ़ाई का पहला बाइट लेके आपको बताते हैं कि कैसा है। मुझे तो रहा नहीं जा रहा है, इतनी क्लियरली है। इसमें थोड़े से गार्लिक ऐड कर लेंगे और ये पहला बाइट। एक और फिर बताओ। बोल रहे हैं कि गरम गरम खानी है और मैं इसमें ही शुरू हो गया। जो इसमें क्रीम है ना, क्रीम सारे पैसे क्रीम है। मजेदार। तो फाइनली हमने बट कढ़ाई खा ली, लाहौर आए। जिले ने धोखा दे दिया था, लेकिन बट कढ़ाई ने धोखा नहीं दिया। शोर से हम फ्री होके निकल गए। अब हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने के लिए। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, सफ़ी भाई। सफ़ी भाई को मैंने सरप्राइज दिया था कल। तो भाई कैसा लगा सरप्राइज का? बहुत अच्छा लगा सरप्राइज, बहुत मज़ा आया। और बल्कि बता के आते तो फिर हम कुछ और प्लान करते हैं, कहीं नॉर्दर्न साइड पे चलते हैं। और लेकिन हम वो दोबारा प्लान करेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। आने वाले कुछ व्लॉग्स आपको आने वाले टाइम में आगे जाके, अभी नहीं ऐसा नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, बोलना शुरू कर दो कि भाई आपने तो कहा था नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, आप कराची वापस चले गए। तो इंशाल्लाह जून जुलाई में हम दोबारा प्लान करेंगे और नॉर्दर्न एरियाज प्लान करेंगे। जून जुलाई में गर्मी लाहौर में भी बहुत होती है और कराची में भी बहुत होती है, तो हम ठंड गुजारेंगे 10-15 दिन नॉर्दर्न एरिया घूमता चलेंगे भाई। डेफिनेटली डन। तो भाई खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा खाने के लिए हम आ गए हैं रॉयल कुल्फी। तो यहाँ से हम कुल्फी ले रहे हैं। इसकी कुल्फी अच्छी है वैसे भाई, बेहतरीन कुल्फी है। चलो आप कुल्फी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। फुल होने के बाद जो है वो हैवी फालूदा भी खाया, फालूदा नहीं खाया जा सकता। मुर्गा अब अंदर नाच रहा है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वाह जी वाह, मजा आ गया जी। सामने वाली आंटी भी तुम्हें बड़े गौर से देख रही है। सामने वाली आंटी इसलिए देख रही होंगी क्योंकि उन्होंने देखा व्लॉगर आ गए, व्लॉगर व्लॉगर इन टाउन ब्रो। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। व्हाट अ हेक्टिक डे, क्या मजा आ गया भाई बट कढ़ाई खा के। मतलब वो जो जीले का गम था ना, वो सब भूल गया हूँ मैं। जीले का सारा गम मैं भूल गया हूँ। जो बट कढ़ाई मैंने खाई वो क्या बट कढ़ाई थी, ओए मज़ा ही आ गया, बहुत नेक्स्ट लेवल मज़ा आया है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब और बेल आइकन को मत दबाइए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।